विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सुबह से ही गरमाई विधानसभा। आज कांग्रेस सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर प्रदर्शन किया, साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर और वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर लेकर प्रदर्शन किया। अध्यक्ष के पीछे से नेहरू जी की तस्वीर हटाने को लेकर गरमाई सियासत, तीनों की तस्वीर लेकर कांग्रेस नेता सदन में दाखिल हुए। वहीं इस मामले पर उदयपुरा से भाजपा विधायक नरेंद्र शिवाजी पटेल से चर्चा की तो उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कांग्रेस को एक ही परिवार के अलावा कुछ दिखता नहीं है। इस देश के बनाने के लिए अनेकों अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है। कांग्रेस हमेशा ही विरोध करती है, भारतीय जनता पार्टी सभी महापुरुषों का सम्मान करती है। सुनिए और क्या कुछ कहा विधायक नरेंद्र शिवाजी पटेल ने। कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, आज हमारे वरिष्ठ नेता और जो कि विभिन्न सदनों में रह चुके हैं, सबसे छोटा सदन जिसको नगर निगम हम कह सकते हैं उसमें पार्षद रहे, और जो सबसे बड़ा सदन है राज्यसभा उसके भी सदस्य रहे हैं, लोकसभा के सदस्य रहे हैं, मंत्री रहे हैं। ऐसे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का आज मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाना निश्चित रूप से बहुत बड़ा कार्य विधानसभा में सम्पन्न हुआ। दूसरी ओर जो जनकल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकारें चला रही है उसका संबंध में महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ है। तो सर, जो विपक्ष बार बार कह रहा है सर, जो जवाहरलाल नेहरू जी का छाया चित्र लगाना चाहिए जो हटाया गया, उस पर जो बार बार विवाद उठ रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा लगता है कि कांग्रेस को तो केवल एक ही परिवार के अलावा कुछ दिखता नहीं। इस देश को बनाने के लिए, इस देश को गढ़ने के लिए, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अनेकों अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है। मेरे को ऐसा लगता है कि कांग्रेस को डॉक्टर अंबेडकर जी से कुछ वैमनस्यता है, उसका प्रदर्शन वो इस विरोध के माध्यम से कर रही है। बाकी का भारतीय जनता पार्टी सभी महापुरुषों का सम्मान करती है। जब राज्यपाल जी भाषण दे रहे थे तो विपक्ष बार बार कुछ कहना चाह रहा था सर, तो उस एक्टिविटी के बारे में क्या कहना? देखिए, एक परंपरा रही है कि जब भी राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है सब लोग उसको शांतिपूर्वक सुनते हैं। अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है, कल उस पर चर्चा होगी, तो कांग्रेस को जो भी कहना है जब उस पर समय निर्धारित हुआ है तब वो अपनी बात कहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।